नाम, मैं दीपिका ओबराय दिल्ली से अपने सभी प्यारे जनों के साथ और यहाँ आकर हमें हर साल बाबा अपने दर्शनों के लिए हमें यहाँ बुलाते हैं और यहाँ आकर हमें इतनी शांति का अनुभव होता है कि हम आपको व्यक्त नहीं कर सकते। लोग नया साल क्लबों में, पबों में हर तरीके से अपने तरीके से मनाते हैं इसको, लेकिन जो शांति और सुकून हमें बाबा के पास आके मिलता है, जैसे देखिए हमारी टीम पूरी वहाँ बैठकर भजन संध्या कर रही है और नाच रही है, गा रही है, मतलब हमारे लिए तो बाबा हमारा सब कुछ है। और हमें 22 से 23 साल आ गए हो गए हैं बाबा के चरणों में आते हुए और हम इस दिन को बाबा के साथ मतलब एक पर्व की तरह मनाते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम जी। हम अगर आपसे अपने अनुभव और अगर आपसे शेयर करने लगे तो पूरा साल खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरे नानी जी आज से 22-23 साल पहले बोलते थे मेरे को कि ये किस बाबा को मानती है। तो मेरे सभी जो बाबा के भक्त, हमारे गुरु भाई बहने सब बोले कि दीदी आपने हमारे साथ बाबा के द्वार चलना है। वो बोले कौन बाबा, कैसे बाबा, वो उन पर यकीन नहीं करते थे। और जब वो पहली बार मेरे साथ यहाँ आए, मैं उनको जिद कर कर यहाँ लेकर आई। आज वो दिन और ये दिन है, हमारे घर में सबसे पहले बाबा का नाम लिया जाता है और उसके बाद कोई कार्य होता है। तो ऐसे ही कई मेरे छोटे छोटे कार्य हैं। ये मेरा बेटा 12 साल का, ये भी मेरे बाबा की देन है। अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था और ये जीता जागता बाबा का प्रसाद और आशीर्वाद है मेरी झोली में। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं नीता अरोड़ा दिल्ली से आई हुई हूँ, तो मुझे आते हुए यहाँ पे कम से कम 15-20 साल हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। और मतलब कि यहाँ पे ये है कि हमें हर साल यहाँ पे नया साल अपने बाबा के साथ ही मनाना है। जैसे आपने अभी ये कहा कि लाइटें, ये डेकोरेशन, तो यही आपके घर में जैसे एक फेस्टिवल होता है ना, एक फंक्शन होता है, तो ये बिल्कुल हमारे लिए एक फेस्टिवल है, एक फंक्शन है हमारे लिए। तो मतलब बहुत अच्छा माहौल है, इसको इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है इनके लिए, इस मतलब ये मुझे बयान करने के लिए कि मुझे कैसा लग रहा है, ये लाइटिंग कैसी लग रही है, ये डेकोरेशन कैसी लग रही है, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है और डिक्शनरी में वो वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को जो है ना शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। स्वर्ग मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा स्वर्ग, बट अगर हाँ, अगर स्वर्ग है तो ये जन्नत हमारी, हाँ बाबा की जन्नत। अगर मुझे कोई पूछे कि स्वर्ग कैसा होता है, मैं कहूँगी शेडी जैसा होता है। ओम साई राम। मुझे मेरा नाम समर्थ ओबराय है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को बाबा के पास आते हुए 11 साल हो गए और मेरे को इतना मन करता है बाबा मतलब मेरे एकदम पापा ही लगते हैं। मैं उनसे बहुत अपनी बातें भी शेयर करता हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता कि डेकोरेशन बहुत अच्छी करी है लोगों ने। हाँ रहते हैं बिल्कुल, घर में भी रहते हैं, मंदिर में भी हर टाइम मेरे साथ रहते हैं वो। वो उनको लेके जा ही नहीं सकते, वो हमेशा हमारे साथ ही है। वो अगर एक बार क्या हुआ था, मैं पिछले साल की बात है, मैं अपने होटल में रुका हुआ था, मैंने उधर से तिलक लगाया और इधर ही ऐसे जैसे हम नाच कूद रहे हम कर रहे थे, तभी क्या हुआ, जब हम होटल के अंदर गए, सारे जो मेरे मामा वगैरह थे वो कह रहे कि कुछ तिलक में मेरे साईं बाबा का कृष्णा रूप बना हुआ था, तो इसलिए मेरे को लगता है कि बाबा मेरे साथ ही है। ओम साई राम। ओम साई राम।